फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्यूटी स्टूडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नाश्ता क्या करना चाहिए ऐसा सुबह सुबह जो हमारा हेल्थ भी अच्छा रखे, हमारा ब्यूटी भी अच्छा रखे, हमारे हेयर भी अच्छा रखे। तो बहुत लोग नाश्ते में खाते हैं पराठे, ब्रेड। आजकल ब्रेड का बहुत ट्रेंड हो गया है, मॉर्निंग में ब्रेड कंपल्सरी हो गया है ब्रेकफास्ट में। बट मुझे नहीं लगता कि ब्रेड इतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम बोलते हैं ना दिन की शुरुआत अच्छी होती है, सुबह की शुरुआत तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो वैसे अगर हम अपनी बॉडी को सुबह सुबह न्यूट्रिशन से भरे अच्छे ब्रेकफास्ट अगर हम देंगे, अच्छे प्रोटीन विटामिन से भरे हुए ब्रेकफास्ट नाश्ता अगर हमारी बॉडी में जाएगा, तो पूरा दिन हमको एनर्जी इतना अच्छा देगा, इतना एक्टिव लगेगा हमको। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि पूरा दिन थकान होगी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में हम इतना हैवी नाश्ता खा लेते हैं, जैसे पराठे हो गए, सैंडविचेस हो गए या भजिया हो गए। बहुत लोग तो पूरा खाना भी खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन इतना हैवी ब्रेकफास्ट अगर आप सुबह सुबह कर लोगे तो आपको पूरा दिन आलस आना है। वो होता क्या है, फिर हमने खा लिया पराठा सब्जी या आलू के पराठे, बहुत टेस्टी लगते हैं ना सुन के, तो आप खाओ आलू के पराठे, बट मॉर्निंग में मत खाओ। आप टाइम चेंज कर दो, आप उसको लंच में ले सकते हो, आप डिनर में ले सकते हो, आप ब्रेकफास्ट में मत लो आलू के पराठे, गोभी के पराठे या जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पराठे बनते हैं। सुनने में बहुत टेस्टी लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है, तो आप मज़े लीजिए पर टाइम चेंज करके लीजिए। तो आप क्या करो ना, आप मॉर्निंग में क्या लेना है, आपको मॉर्निंग में लेना है फ्रूट्स। सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट आपका फ्रूट्स होता है। आप मॉर्निंग में उठ के अच्छे विटामिन्स व भरे, प्रोटीन्स फाइबर से भरे अगर फ्रूट्स अपनी बॉडी में डालोगे। फ्रूट्स में क्या लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप लीजिए। क्या होता है, अगर हम घर के बड़े अपनी डाइट चेंज करेंगे ना, तो हमको देख के बच्चे भी चेंज कर लेते हैं। अगर हम ही नहीं चेंज करेंगे तो बच्चे को हम कैसे सुधारेंगे। फिर हम बोलते हैं हमारे बच्चे ये खाते हैं वो खाते हैं, हेल्दी चीज़ नहीं लेते, बीमार हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ये एक्सपीरियंस मैंने खुद फील किया है। मैं भी पहले नाश्ते में ये सब चीज़ें बनाती थी, रोज का टेंशन रहता था नाश्ता क्या बनाऊँ, नाश्ता क्या बनाऊँ, नाश्ता क्या बनाऊँ, और कुछ समझ में नहीं आता था। कभी मैं कुछ कभी कुछ ऐसा डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हम नाश्ते में बनाते थे। लेकिन मैंने जब से अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके, ब्रेकफास्ट स्किप करना मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट की जगह पे मैंने कर दिया है फ्रूट। ठीक है, मैं अभी फ्रूट का नाश्ता खुद भी करती हूँ और मेरे बच्चों को भी कराती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी देती हूँ, मतलब सबको मैं फ्रूट का ही नाश्ता देती हूँ। सुबह सुबह आप जब हम नहा के निकलते हैं, उसके सुबह सुबह जब हम फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रेश फ्रूट्स, इतना अच्छा फील होता है ना, पूरा दिन बॉडी एक्टिव होती है। और मैं साथ में बनाती हूँ कोकोनट मिल्क शेक। कोकोनट का मैं घर पर ही मिल्क निकालती हूँ और उसमें कुछ बनाना एंड ड्राई फ्रूट्स मिक्स करती हूँ। मीठे के लिए मैं उसमें खजूर डालती हूँ, अंजीर डालती हूँ और उसको मैं ब्लेंड करती हूँ और वो लेती हूँ, एक प्लेट फ्रूट और एक ग्लास मिल्क शेक। ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है, मेरा मीन्स मेरी फैमिली का ब्रेकफास्ट होता है। बिलीव मी फ्रेंड, जब से मैंने अपना ये ब्रेकफास्ट का सिस्टम चेंज किया है ना, जो मैं पराठे भजिया पोहा ये ब्रेड्स ये सब लेती थी, और उसके बाद से मैंने ये स्टार्ट कर दिया वो बंद करके, उसके बाद से इतनी चेंजेस आई है मेरी बॉडी में, मेरी स्किन में। बहुत आप देख सकते हो कि मेरी स्किन में कितनी अच्छी शाइन बनी रहती है अभी, और इनफैक्ट मेरे बच्चों के हेल्थ में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते थे वो अब नहीं होता है, टचवुड। ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। कुछ दिन आपको ऐसा फील होगा सुबह सुबह फ्रूट, एक्चुअली जो चाय पीते हैं उनको तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि चाय मीन्स बोलो मॉर्निंग में चाय भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको चाय का नशा है तो आप एक बार में मत छोड़ो, आप उसको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो। ठीक है, आप अगर एक कप चाय लेते हो तो एक कप से हाफ कप कर दो, हाफ से फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा और कम करके अगर आप ऐसे चाय छोड़ोगे ना, तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने मतलब चाय छोड़ के देखा, दो दिन मुझे हेडेक हो रहा था, मुझे तबीयत खराब हो गई, एसिडिटी हो गई। वो एक वैसा तो कुछ होता नहीं है, मेंटेलिटी है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप एकदम से मत छोड़ो, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए। आप फ्रूट्स भी स्टार्ट करना है, अगर आपको लगता है कि मैं कैसे नाश्ता बंद कर दूं, तो आप क्या करो ना, आप जो नाश्ता कर रहे हो वो करो, आप पहले फ्रूट्स ले लो, थोड़ा सा लो, जितना खा सकते हो उतना फ्रूट्स खा लो, उसके 10-15 मिनट बाद आप जो ब्रेकफास्ट करते हो, फिर कुछ दिन के बाद फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, नाश्ते की क्वांटिटी कम करते जाइए। ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको
कब आपको फ्रूट्स की हैबिट हो जाएगी, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको कुछ दिल भी नहीं करेगा कि मैं कुछ और ब्रेकफास्ट करूं, और बहुत फ्रेश लगता है। आप सिर्फ एक हफ्ता ही करके देखिए, आपको खुद को अपनी बॉडी के अंदर इतनी चेंजेस लगेगी, इतना फ्रेश फील होगा, इतना एक्टिव लगेगा आपको, बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही होगी वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। आप सिर्फ इतना करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो, और लेडीज लोग को तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना कि नाश्ते में क्या बनाए, कुछ मत बनाओ, नाश्ते में फ्रूट्स दे दो, तो इससे आपकी भी छुट्टी हो जाएगी ब्रेकफास्ट की और सबका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।